नमस्कार, रेसिपी मंत्र में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। वैसे तो खाने में रायते की एक अपनी अलग ही जगह है। अगर हम अपने खाने में रायता शामिल करें तो हमारे खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो रायते कई प्रकार के बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम बूंदी का रायता बनाएंगे। तो देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आधा कटोरी हमने बूंदी लिया है, 300 ग्राम हमने दही लिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है हमने, काला नमक लिया है हमने, मिर्ची पाउडर लिया है हमने, रायते में तड़का लगाने के लिए जीरा लिया है हमने, सादा नमक लिया है हमने, रायता में तड़का लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है। तो आइए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दही को मैंने मिक्सी में अच्छे से फेंट लिया है। रायता बनाने के लिए दही में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसे अच्छे से फेंट लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारी दही बहुत गाढ़ी है। रायते के लिए हमें पतली दही की आवश्यकता है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। कुछ लोग रायता गाढ़ा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे पतला खाते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डालिए। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला है, क्योंकि बूंदी डालने के बाद हमारा रायता जो है वो और गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, दही को मैंने पतला कर लिया है। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे। तो अब हम डालेंगे आधा चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें नमक डाल सकते हैं, एक तिहाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आइए अब हम अपने रायते में लगाते हैं जीरा का तड़का। इससे रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। हमें जीरा को बस हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और रायते में तड़का लगा लेंगे और डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अपनी बूंदी के रायतों को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, और ये देखिए हमारी बूंदी का स्वादिष्ट रायता बनके तैयार है। हमने ये रायता 3 से 4 लोगों के लिए बनाया है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने सुझाव और अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके अपने चैनल रेसिपी मंत्रा में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।